चैप्टर नाइन्थ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी इस चैप्टर को हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एस्ट्रोनॉमी में बता दूँ आपका यूज़ होता है इसका, फिजिक्स में इसका यूज़ होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस क्या है, अर्थ से किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैप कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है। और ये पूरी तरह से चैप्टर एट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले के चैप्टर हम पढ़े हैं ना, उस चैप्टर पे पूरी तरह से बेस्ड है। इसमें रेशियो ऑफ एंगल्स ज़रूरी है, वो आपको याद करना होगा। और अगर उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्ट है तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा, इससे पहले के ऑलरेडी चैप्टर में मैंने करवाया था। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वर, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा होके टॉप पे देख रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर के आई से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। इसको मैंने मेंशन भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, लाइन बिटवीन द आइज ऑफ ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर के डिस्टेंस जो लाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो लाइन को बताता है, डिस्टेंस वाले लाइन बताता है, तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। सो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज हियर, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। अगेन आपका आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट टॉप पे हो और ऑब्जर्वर डाउन साइड में हो। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस फिगर में मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट हमारा टॉप पे है, ऑब्जर्वर डाउन पे है, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन में ये जो लाइन होता है हमारा, ये लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन आप कह लो या हॉरिजॉन्टल लेवल कह लो, यहाँ भी इस तरह से जा रहा है आपका और ये भी जा रहा है। अगेन आप देख लीजिए, सेकंड वन है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट हमारा नीचे हो, सपोज आप किसी मीनार पे हैं, ठीक है ना, आप मीनार से रोड पे आते हुए कोई कार को आप देख रहे हो, तो उस कंडीशन में जो आपका एंगल बन रहा है आपके आईज पे, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आप हैं यहाँ पे और कार है या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कह लो। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एंगल, रेशियो ऑफ एंगल्स, वो आपको याद होना चाहिए। इससे पहले के सेशन में मैंने रेशियो ऑफ एंगल्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।